गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग अवर सेकेंड पार्ट ऑफ थर्ड चैप्टर 3 इन केमिस्ट्री पोर्शन एंड इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द डाल्टन थियरी। लास्ट हमने डाल्टन थियरी के बारे में सोचा था, अब नाउ वी आर फॉर सनलाइटिंग ऑफ द हु इज द डाल्टन। जॉल डाल्टन वॉज बॉर्न इन अ पुअर वेवियर फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड। ही इज इंग्लिश मीन्स दैट ही बिगन इन हिज करियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12। 7 years लेटर ही बिकम अ स्कूल प्रिंसिपल इन 1973। डाल्टन लेफ्ट द मैनचेस्टर ऑफ द टू द टीच मैथमेटिक्स एंड physics in and chemistry in a college. He spent most of the life there teaching and researching. In 1808 he pressed his atomic theory, which was the turning point of the study of matter. Okay, so Dalton will be born in and most of he teach, and now in 1808 he gives a Dalton theory that change of the matter, जो हमारे एटॉमिक थियरी है वो पूरी चेंज कर दी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थियरी ऑल मैटर वेदर अ एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑफ द मिक्सचर इज कंपोज्ड टू द स्मॉल पार्टिकल कॉल एटम्स। कोई भी मैटर होगा, कोई भी होगा, मिक्सचर होगा, वो सारे के सारे कंपोनेंट कौन होंगे, उनके एटम। दिस कंपोजिशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम एंड द पोस्टुल ऑफ दिस थर्ड थियरी वॉज द स्टेट एज फॉलो। ये जो हमारी 6 पोस्टुल्स है कि हमारी धारणाएं हैं, वो सारी की सारी हमने पढ़नी है। डाल्टन थियरी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है। ऑल मैटर इज मेड ऑफ द वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। बहुत सारे मैटर, सारे के सारे मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स में बनाए जाते हैं। दे पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम आर इनविजिबल पार्टिकल विच इज कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल। फर्स्ट द ऑल पार्टिकल ऑल मैटर है वो एक स्मॉल पार्टिकल से बनता है, दैट इज कॉल्ड इन केमिकल रिएक्शन। देन द एटम इज इनविजिबल, वो दिखाई नहीं दे सकता। पार्टिकल है विच इज कैन नॉट बी क्रिएट, वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, वो खुद ही बनता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय कर सकता है इन द केमिकल रिएक्शन। कोई भी पार्टिकल है हम उसे ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ उसे एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांजिशन कर सकते हैं। नेवर, कभी हमें जो सारी चीज़ें मिलती है वो नेचर से मिलती है। हम अर्थ में से लेते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करके हम बना सकते हैं, बट वी नेवर क्रिएट बाय अवर सेल्फ और डिस्ट्रॉय बाय अवर सेल्फ, हम चेंज कर सकते हैं उसे। नाउ एटम गिव द एलिमेंट आर आइडेंटिटी मास एंड केमिकल प्रोपोर्शंस। किसी भी एटम है उसका खुद का एक मास होगा और उसका एक प्रोपोर्शन होगा जो मॉलिक्यूल बनेगा। तब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। ओके, सो हाइड्रोजन है वो उसका मास कितना होगा, 1 होगा। नाउ वी आर फर्दर गो टू सोडियम, तो उसका मास कितना होगा, 23। सोडियम हैव 11, उनका 11 है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज 23 सोडियम। सो दोनों के मास, अलग एटम के अलग मास हो गए। एक एटम जो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा उसका 1 होगा, तो हम कहीं और अमेरिका जाएंगे वहाँ हाइड्रोजन लेंगे तो वहाँ का भी 1 होगा। यहाँ का सोडियम 1 होगा, वहाँ का सोडियम होगा, बट अब हम लेंगे यहाँ का हाइड्रोजन और वहाँ का सोडियम, सो दैट दिस डिफरेंट मास हैव, डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट मास। एटम कॉम्बाइन रेशियो फॉर होल नंबर इन अ कंपोजिशन। एटम है कभी आधे नहीं जुड़ते, वो पूरे ही जुड़ते हैं। कि हम कहेंगे कि H2O की बजाय H2HO हाफ लिखेंगे, हाफ O लिखेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऑलवेज H2O होल नंबर ही होगा, पूरा नंबर होगा। द रिलेटिव नंबर किड्स काइंड ऑफ एटम आर constant in a given compound. You will study the next chapter that all atoms are made of the still smaller particle. तुम लोग next chapter में जब पढ़ोगे तब हम कौन कौन से particle है उसके बारे में जानेंगे। Okay, so अब now we have question हार ये postules है, पूछी जाती है
And now, what is atom? Have you ever observed the Mason building walls and is a wall room and then collect the room for the building? What is building block and use the building? Which is building block and anti hills and some grain sand and similarly to the building blocks all matter atom. Okay, कोई भी building है, building के अंदर rooms होते हैं, rooms के अंदर एक छोटी छोटी हमारी जो ब्रिक्स होती है, तो वो जो ब्रिक्स है वो पूरे बिल्डिंग की एक क्या कहते हैं एटम. वैसे ही जैसे पूरा बिल्डिंग बनता है किससे, ब्रिक्स से बनता है, वैसे ही एटम बनता है, मैटर बनता है पूरा एटम से. हाउ बिग आर एटम, एटम कितने बिग होते हैं? एटम आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलेस्ट देन द एनीथिंग दैट इमेजिन इन अ मिलियन. एंड व्हेन दिस इज अ thick of shade of radius is a nanometer. Nanometer is 10^-9. Okay, जब भी तुम लोग 0.1 लिखते हो ना, इसलिए 10^-1. So अब 0.00000 ऐसे 90 आएंगे, उसके बाद 1 आएगा, तो that called 10^-9. इतनी छोटी होती है उसकी रेडियस होती है, जो हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस होती है वो इतनी छोटी होती है. ओके, सो रेडियस ऑफ साइज, अब देखो कितनी 10^-9 लिखी. एटम ऑफ हाइड्रोजन की रेडियस है 10^-10. मोलिक्यूलर ऑफ वाटर, वाटर की है 10^-9. मोलिक्यूलर ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की 10^-8. देन ग्रेन ऑफ सैंड, सैंड कितनी छोटी होती है, उसकी रेडियस कितनी होती है 10^-4. बट कंपेयर टू देखो 10^-10 हाइड्रोजन की, तो कितना छोटा हो सकता है, 10^-3, 4 एंड 10. एप्पल इज 10^-1, वो भी स्मॉल एप्पल होंगे. तो वी माइट थिंक दैट द एटम आर सो इन आइडेंटिफाई साइज, व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम? दिस इज बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड मेड अप ऑफ एटम, वी आर नॉट एबल टू सी देम, बट दे आर कंसिस्टेंटली अफेक्ट वेदर वी डू. देयर इज द मॉडर्न टेक्निक, वी कैन प्रोड्यूस द मैग्निफाइड इमेज ऑफ सरफेस एलिमेंट एंड शोइंग दिस. ओके, फर्स्ट इतने छोटे हैं एटम, बहुत छोटे हैं, हमने तो दिखाई दे, सेंट हमें थोड़ी सी दिखाई दे रही है ग्रेन, तो उसके बाद तो हमें कुछ दिखाया गया ही नहीं, तो हम इसे क्यों कर रहे हैं? बट दैट इज इम्पॉर्टेंट, जितने भी चीजें हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दैट कि हमारा जितना भी काम है वो अलग अलग होगा. जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स. नाउ इज देखो, ये सरफेस दी है, ये हमारा इमेज ऑफ सरफेस फॉर सिलिकॉन टू शो द एटम्स, जो एटम्स है उसके अंदर. वॉट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ द एटम इन डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट है दिख रहे हैं. डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज दैट एटम एंड दैट इज द, देखो यहाँ पे अलग अलग एटम को साइन की तरह लिया है, जैसे हाइड्रोजन है, फॉस्फेट है, कॉपर है, गोल्ड है, कार्बन है, सल्फर, लेड है, पेटियम, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये सारे के सारी चीजें दी गई है. उसे जो हमें दिखाई दे रहा है, ये एक दो मार्क में पूछे जाते हैं व्हाट इज साइन, व्हाट इज दिस साइन, उसका नाम दी गए, तो ये पूछे जाते हैं. बट इट इज इनिशियल एरा, जो इतने सारे एलिमेंट आए नहीं थे, थोड़े एलिमेंट थे, अभी तो एलिमेंट बहुत ज्यादा हो गए, तो हम ये चीटी यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है एलिमेंट के ऊपर. 1A1 8 एलिमेंट्स है अभी, उसके बाद भी रिसर्च हो रही है, बहुत सारे एलिमेंट आ गए हैं, बट ये सारी चीजें दिख रही है. तो ये एलिमेंट जब बहुत थोड़े थे, इतने ही एलिमेंट थे, तब डाल्टन ने ये एक सिंबॉलिक सिस्टम बनाया था. इन द बिगिनिंग नेम ऑफ द बिगिनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट वेर डिवाइड फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेर इज द फाउंड एंड फर्स्ट द एग्जाम्पल ऑफ द कॉपर वॉज टेकन बाय साइप्रस एंड सम नेम वेर बी टेकन ऑफ स्पेसिफिक कलर फॉर द एग्जाम्पल गॉड वॉज टेकन इन इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो एंड देन नाउ नाउडेज IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री in international scientific organization which proves the name element of symbol and until name of that the name English this is first letter of the symbol always written of the capital number and the second one letter is small.
फर्स्ट जब एलिमेंट हमने किए थे इतने थे तब उसको ऐसे रखा गया था, बट नाउ एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा मिलने लगे तो उनकी साइन कैसे करनी जाती है उसके बारे में किया गया। तो जो हमारे साइन है वो डिसाइड करते हैं IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऐसे IUPAC पी है, केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स आएगा, वो इंटरनेशनल है, वो सब कुछ हमें कहते हैं कि इस तरह करना है। तो किसी भी चीज का फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल लिखना है, जो हाइड्रोजन है तो उसे H लिखना है, हमारा सिलिकॉन है तो उसे SI लिखना है। तो ये सारी चीज, तो आप ये कहोगे कि हाइड्रोजन को S लिखेंगे, सल्फर को S लिखेंगे, तो हमें इस तरह करना है कि कोई सब्सटेंस है उसका नाम S के ऊपर लिखना है और उसका सेकेंड लेटर, उसके बाद का जो लेटर आएगा वो E, जो ई लिखा है कि कोई भी दूसरा लेटर होगा वो स्मॉल में लिखा जाएगा। फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी इन अ कैपिटल एंड सेकेंड वन इज अ स्मॉल। बस मोस्ट ऑफ जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट लेटर है, हाइड्रोजन एक ही है, बट जब हीलियम आएगा तब HE लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्पेलिंग H से शुरू होता है। अब HE लिखा जाने का मतलब है कि हाइड्रोजन E है वो हीलियम दिखा रहा है HE, सो साइन अलग हो गई। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम AL, नॉट AL, सेकेंड एल्यूमिनियम A दिख रहा है, उसके बाजू में L लिखा जाता है स्मॉल में, नॉट कैपिटल। दैट कोबाल्ट, कोबाल्ट है CO लिखा जाता है, नॉट CO, इट इज कार्बन मोनोक्साइड साइड। द सिंबल ऑफ सम elements are formed from the first letter and name of letter appearing the are chlorine Cl, zinc is Zn. उनके नाम फर्स्ट सेकेंड लेटर क्लोरीन में CHOLO आता है, फिर भी हम Cl लेंगे क्योंकि हम क्लोरीन को Cl ज्यादा अच्छा लगता है। जिंक ZI होगा पर जिंक को हम Zn लिखते हैं। अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम एलिमेंट इज द लैटिन जर्मन ग्रीन ग्रीक, that is the symbol of Fe, it is called Latin in ferrum, and then okay iron है तो उसे I नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो Latin word में से ferrum कहते हैं, उसके ऊपर से हम उसे Fe लिखते हैं। Then Na, in a natrium उसे Na है, natrium sodium को हम natrium कहते हैं, इसलिए उसे Na लिखा जाता है। Sodium को SO नहीं लिखा जाता, Na लिखा जाता है। देन पोटेशियम, कैलियम, कैलियम को पोटेशियम के से लिखा जाता है, नॉट PO, पोटेशियम पी से नहीं लिखा जाता। तो ये तीनों वर्ड है, देयरफॉर द केमिकल एलिमेंट इज नेम ऑफ यूनिक केमिकल सिंबल। ये सारे यूनिक केमिकल सिंबल है, कैल्शियम है, सोडियम है, अलग अलग है वो सारे। पास ओके, ये टेबल है वो आपको होमवर्क में लिखना है और आपको सारे की सारी चीजें याद रखनी है, उसे कौन सा उसकी सिंबल के साथ उसे याद रखनी है। पैसेंजर टाइम वॉज रिपीट यूजिंग दिस ऑटोमेटिक अबाउट प्रोड्यूस सिंबल, सिंबल सारे लिखने हैं ये सारे। ओके होमवर्क में, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।